पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की 105वीं जयंती पर मंच पर उपस्थित आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी, कार्यक्रम के मुख्य वक्ता जिनका मार्गदर्शन हम सबको मिलेगा, आदरणीय श्री विजय जी, दीनदयाल सेवा प्रतिष्ठान की अध्यक्षा आदरणीय शुभा वर्मा जी, उत्तराखंड सरकार के कैबिनेट मंत्री श्री गणेश जोशी जी, हमारे विधानसभा के यशस्वी अध्यक्ष श्री प्रेमचंद अग्रवाल जी, हमारे पूर्व विधानसभा अध्यक्ष वरिष्ठतम नेता श्री हरवंश कपूर जी, इस शहर के प्रथम नागरिक मेयर भाई सुनील उनियाल गामा जी, कार्यकारी अध्यक्ष दीनदयाल सेवा प्रतिष्ठान श्री कैलाश पंत जी और कार्यक्रम का सुंदर संचालन कर रही बहन अंजलि वर्मा जी, उपस्थित सभी सुधी श्रोतागण भाई और बहनों, आज पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की हम जयंती मना रहे हैं और राजनीति के क्षेत्र में अपनी सांस्कृतिक विरासत के आधार पर वैचारिक प्रतिबद्धता के साथ समाज की सेवा करने का दर्शन जिन्होंने हमको दिया, ऐसे दीनदयाल उपाध्याय जी की जयंती हम मना रहे हैं। जब मैं वैचारिक प्रतिबद्धता की बात करता हूं तो जब दूर दूर तक भी यह नहीं लगता था कि हम कभी सत्ता में आएंगे, लेकिन उन्हीं विचारों को लेकर आगे बढ़ते रहे। जिस समय विश्व के अंदर पूंजीवाद के नाम पर संसाधनों पर कब्जा करने का दौर चल रहा था, साम्यवाद का भी एक विचार आया जिसमें सरकार के माध्यम से कुल मिलाकर संसाधनों पर कब्जा करना उसका भी यही एक काम था। उस समय इन दोनों एकांगी विचारों के विपरीत संपूर्ण मानव का कल्याण करने वाला एक दर्शन जिसको एकात्म मानववाद ह्यूमन इंटीग्रिज्म कहा गया, पंडित दीनदयाल जी ने दिया। जिस प्रकार से जीवन के चार चतुष्टय धर्म अर्थ काम मोक्ष ये आवश्यक है, इनको एकांगी विचार न करके पूरे जीवन का विचार, मनुष्य का शरीर मन आत्मा बुद्धि सब समन्वय होकर के सुखी होता तो मनुष्य सुखी होता है, इसका एक विचार दर्शन उन्होंने रखा और उसी दर्शन को लेकर के हम आगे बढ़े। आज हमारी सरकारें केंद्र में हैं, प्रदेशों में हैं, तो वो सब सरकारें अगर आप जो योजनाएं चल रही हैं, गांव गरीब किसान मजदूर महिलाएं युवा इन सब की शोषित पीड़ित वंचित इन सब की जो कल्याणकारी योजनाएं चल रही हैं, वो सब दीनदयाल जी के दर्शन पर आधारित हैं। मैं उसके वर्णन में नहीं जाऊंगा क्योंकि आज का पाते हमको विजय जी से मिलेगा, लेकिन उन योजनाओं का कभी आप मूल्यांकन करेंगे, क्योंकि मैं तो विद्यार्थी हूं तो विद्यार्थी का काम है अध्ययन करना। मैं उन योजनाओं को जब भी उनके बारे में सोचता हूं, जितनी योजनाएं चल रही है पढ़ता हूं और जितनी बार मैं दीनदयाल जी के दर्शन को पढ़ता हूं तो हर बार नया दिखाई देता है। हर बार वो नर नारायण के रूप में जो वंचित व्यक्ति है वो नारायण है उसके रूप में दिखाई देता है। उसी को लेकर सरकारें चल रही है, चाहे वो प्रारंभिक 12 रुपए का सुरक्षा बीमा योजना हो, चाहे 330 रुपए की अटल जी की जीवन ज्योति योजना हो, चाहे जिन परिवारों में आज तक बिजली नहीं गई थी वहां दीनदयाल ज्योति योजना के अंतर्गत बिजली पहुंचाने की योजना हो, इस प्रकार जितनी भी योजनाएं हैं वो प्रारंभ से लेकर प्रधानमंत्री आवास से लेकर के उज्ज्वला योजना दीनदयाल ज्योति योजना अटल आवास योजना और अंत में आकर मैं कहूं तो जो कोविड के अंदर भी पहली बार मुफ्त वैक्सीनेशन हुआ है विश्व का सबसे बड़ा ड्राइव वह हो या 5 लाख रुपए तक का मुफ्त कैशलेस इलाज, ये सब दीनदयाल जी के एकात्म मानववाद का जो विकास की अंतिम सीढ़ी पर व्यक्ति बैठा है उसके कल्याण से संबंधित सारी योजनाएं हैं। मेरा आप सबसे इतना ही निवेदन है कि
कि दीनदयाल जी के विचारों को पढ़ें, सुनें और सरकारों का मूल्यांकन उनके दिए हुए दर्शन के आधार पर करेंगे तो आपको भी संतोष होगा और हम जो उस नीति को लेकर चल रहे हैं हमको भी संतोष होगा। इतना ही मैं आप सबसे निवेदन करना चाहता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।